तेलंगाना को आए, हैदराबाद को आए, राहुल गांधी आकर बोले ओवैसी बी टीम। लोगों ने पूछा किसकी टीम, तो कहा बीजेपी की बी टीम। दो दिन के बाद राहुल ने यूं किया, हमने समझा कि कुछ खरगोश निकलेगा, कुछ नहीं निकला, कहा सी टीम है। फिर राहुल गांधी ने कहा ये महाराष्ट्र में क्यों लड़ते हैं, क्यों महाराष्ट्र आपका खानदान का है हमारा नहीं है, क्यों जाते महाराष्ट्र को, जाएंगे। राहुल गांधी तैयार हो जाओ, ये शेरवानी अमेठी में जाकर अब भड़का भाषण देगा। ये राहुल गांधी हैदराबाद को आए थे, पकड़ पकड़ कर लोगों को लाए, अरे चल 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 चल, उसकी सभा है, उसकी सभा है, लोगों को खींच खींच कर लाए। किसी को कहा कि तुझे 100 रुपये 200 रुपये देंगे, एक मुरख का पैकेट देंगे। मुझसे गरीब आवाम ने पूछा सर भाई पैसे भी मिल रहे, चिकन भी मिल रहा। मैंने कहा मटन नहीं मिल रहा, वो भी नहीं। सबको बुलाए तो 1500 लोग, 2000। अब यहां पर जितने लोग आए, जरा मेरी इस बात का पैगाम, मेरी इस बात के सवाल का जवाब दे दो, ताकि जनयोद्धारू राहुल गांधी को मालूम हो जाए और साहिब अशोक राव को भी मालूम हो कि साहिब इतने लोग जो यहां पर प्रकाश अंबेडकर के नाम पर आए, हमने किसी को भी एक पैसा नहीं दिया। आपको पैसे दिए, आपको दिए, क्यों आए, क्यों आए आप? आप अपने समाज के इंसाफ के लिए आए। और जब राहुल की सभा होती, जब मोदी की होती मित्रों की, तो पैसे देकर लाते, यहां पर लोग पैसा खर्च किया। ये हमने ये हमारी पहली कामयाबी। और हैदराबाद में तो टाई टाई हो गया इनका। राहुल गांधी बोले बी टीम, राहुल गांधी बी टीम बोले, तो तेलंगाना की आवाम ने कहा कि कांग्रेस का ऐसा हाल करेंगे कि टीम भी नहीं खिलाएगी। 119 सीट में से कांग्रेस शायद कुछ 90 सीट पर लड़ी। और मेरे प्यारे, ये मेरे ख्याल से कुछ 18 जीते, 18 जीते, 18 समझ में नहीं आया उनको बी टीम। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।